हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओली नेजम में आपका स्वागत है। आज हम इस स्टूडियो में 18 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्लास को अंत तक जरूर देखिए। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, मोहम्मद इश्तेहक को किस देश के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है? ए फिलिस्तीन, बी रूस, सी इंडोनेशिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फिलिस्तीन। ए का राइट आंसर है फिलिस्तीन। मैं इसके बारे में बता देता हूँ, फिलिस्तीन, रूस, इंडोनेशिया, इन दोनों के बारे में कैपिटल और करेंसी के बारे में डिटेल से जानते हैं हम। फिलिस्तीन जिसकी राजधानी है रामल्ला, और फिलिस्तीन जिसकी राजधानी है रामल्ला और जिसकी करेंसी है इजराइल सेकेल। रूस इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, रूस जिसकी कैपिटल है मास्को और इसकी करेंसी है रूबल। इंडोनेशिया इसकी कैपिटल है जकार्ता और इंडोनेशिया की करेंसी है रुपया। रूस ये एक यूरोपीय कंट्री है, जबकि फिलिस्तीन और इंडोनेशिया दोनों एशियाई कंट्री हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरी को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की सद्भावना दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए विराट कोहली, बी स्मृति मंदाना, सी मिताली राज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मिताली राज। आप सभी जानते होंगे विराट कोहली एक क्रिकेटर है, स्मृति मंदाना भी एक भारतीय क्रिकेटर है, मिताली राज भी एक भारतीय क्रिकेटर है। विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान है और मिताली राज भारतीय वर्ल्ड कप की कप्तान है, भारतीय वर्ल्ड कप की कप्तान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। भारत तथा किस देश के बीच INVPN बायलेट X2 पक्षीय अभ्यास का आयोजन किया गया है? ए वियतनाम, बी मालदीव, सी रूस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वियतनाम। हमें बता देता हूँ वियतनाम, मालदीव, रूस के बारे में। वियतनाम जिसकी राजधानी है हनोई, वियतनाम की करेंसी पूछा जाए तो है वियतनामी डोंग, वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग। अब आगे बढ़ते हैं मालदीव की ओर। मालदीव जिसकी करेंसी है रुपया, और मालदीव जिसकी राजधानी है माले। ये एशिया में सबसे छोटी कंट्री है, जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है मालदीव का। अब रूस की बात करते हैं। रूस इसके भी डिस्कस किया था, रूस जिसकी राजधानी है मास्को, रूस जिसकी कैपिटल है मास्को, जिसकी करेंसी है रूबल। ये एक यूरोपीय कंट्री रूस, जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा क्षेत्रफल है जिसका वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा बैंक RBI के EVM जनादेश को लागू करने वाला देश का पहला सार्वजनिक बैंक बना है? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी इलाहाबाद बैंक, सी केनरा बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी केनरा बैंक। अब मैं बताता हूँ पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक और केनरा बैंक जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, क्योंकि एग्जाम पूछा जाता है। पंजाब नेशनल बैंक जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इलाहाबाद बैंक जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, और केनरा बैंक जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर पाँच चुकर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, गूगल ने किस पहले अफ्रीकी देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता लैब का अनावरण किया है? ए जिम्बाब्वे, बी केन्या, सी घाना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी घाना में। अब मैं इनकी कैपिटल करेंसी के बारे में बताता हूँ आपको। जिम्बाब्वे, केन्या, घाना तीनों एक अफ्रीकी देश है, तीनों अफ्रीका में स्थित एक देश है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में। जिम्बाब्वे जिसकी राजधानी हरारे, जिम्बाब्वे जिसकी कैपिटल यूरो, जिम्बाब्वे कोई ऑफिशियल कैपिटल नहीं है, ऑफिशियल करेंसी नहीं है, वहाँ पे यूरो भी चलता है, पाउंड भी चलता है, डॉलर भी चलता है, पाउंड स्लिंग भी चलता है वहाँ पे। केन्या जिसकी राजधानी है नैरोबी, केन्या जिसकी करेंसी है केनियन शिलिंग, केन्या की करेंसी है केनियन शिलिंग। घाना जिसकी कैपिटल है अक्कारा, और घाना की करेंसी की बात करें तो है घानियन सेडी है। क्वेश्चन नंबर छठे के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा, गूगल द्वारा हाल ही में किस ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ए फेसबुक, बी टिकटॉक, सी लाइक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी टिकटॉक। दोस्तों कल मैंने इसका एक वीडियो बनाया था टिकटॉक का, अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसमें बताया गया कि भारत में इसे क्यों बैन किया गया है। तो गूगल द्वारा किसी हाल ही में किसी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसका आंसर हो जाएगा बी टिकटॉक।
टेटो एक चाइनीज़ कंपनी है जिसमें छोटे छोटे लघु वीडियो बनाकर बनाए जाते थे और उसे साझा किया जाता था। टिकटॉक ऐप है जो अश्लीलता को बढ़ावा दे रही थी, इस कारण से भारत में इसे बैन किया गया है। इसके बारे में उस्ताद जानने के लिए इस वीडियो को देख लेना जो मैंने बताया। लाइक तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सही, टिकटॉक को। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व हिमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? ए 15 अप्रैल, बी 16 अप्रैल, सी 17 अप्रैल, डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 17 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 8 आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एडमिरल सुनील लांबा किस देश की यात्रा पर रवाना हुए हैं? ए जापान, बी रूस, सी थाईलैंड, डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, थाईलैंड। मैं छोटा करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन को। यार हाल ही में एडमिरल सुनील लांबा किस देश की यात्रा पर रवाना हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, थाईलैंड। जापान के बारे में बात कर लेते हैं। जापान जिसकी राजधानी है टोक्यो और जिसकी कैपिटल है टोक्यो, जिसकी करेंसी है येन। रूस जिसकी करेंसी है रूबल और रूस की कैपिटल की बात करें तो वह है मास्को। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, आप जानते होंगे। और थाईलैंड की करेंसी की बात करें तो वह है बात, थाई बात। क्वेश्चन नंबर 9, किस बैंक ने हाल ही में कागज रहित खाता शुरू किया है? ए IDBI बैंक, IDBI बैंक, बी यूनियन बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, IDBI बैंक। IDBI बैंक इसका मुख्यालय की बात कर लेते हैं। IDBI बैंक इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यूनियन बैंक इसका भी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका भी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। स्टेट ऑफ बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। स्टेट ऑफ बैंक का CEO है रजनीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 10, मतलब सोनी है दोस्तों, यहाँ पे ICICI है, यहाँ पे आएगा ICC, इंडियन क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इसकी फुल फॉर्म है ICC की। आप लिख देता हूँ मैं आपके लिए ICC ने हाल ही में किसकी साझेदारी के साथ क्रिकेट फॉर गुड के लिए वन डे फॉर चिल्ड्रन अभियान की घोषणा की है? ए वर्ल्ड बैंक, बी यूनिसेफ और सी FAO, डीन में छुपा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यूनिसेफ। अब इनके बारे में बता देता हूँ। वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, FAO, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड बैंक जिसके मुख्यालय USA की राजधानी वाशिंगटन DC में स्थित है। और यूनिसेफ की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, यूनिसेफ का मुख्यालय। और यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, FAO, जिसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में। FAO की फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO की फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। गृह मंत्रालय ने किस राज्य के दुर्जनपुर गांव का नाम बदलकर शिवधाम रखने का प्रस्तावित पारित किया है? ए असम, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। अब इसकी बात कर लेते हैं असम, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश की। असम जिसकी राजधानी दिसपुर, जिसके मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल। केरल जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनर विजयन। तमिलनाडु जिसकी राजधानी है चेन्नई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है पलनी सेल्वम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है के पलानी स्वामी है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ। इससे पहले मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह थे। आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर से, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर वाले कितने रुपए वर्ग का नया नोट बैंक जारी किया है? कितने वर्ग का नया बैंक नोट जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 50 रुपये का। भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल। अब जो शक्तिकांत दास है नए गवर्नर 25वें, उनके हस्ताक्षर वाले नया नोट जारी किया गया जो 50 रुपये का है। ये आपको याद होना चाहिए, याद कर लेना है 50 रुपये का। दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था 12वां जो हमने बता दिया है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।